इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा जैसे शहर में पानी की जहां किल्लत है, लोगों को कई दिनों तक पानी नहीं मिल रहा है। लोग खरीद कर पानी पीने को मजबूर हैं। वहीं मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा धुलने का काम मित्तल ग्राउंड गेट के पास किया जा रहा था। इस सर्विस सेंटर पर मुंब्रा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महेश आहिर के निर्देश पर नीलेश भाले राव ने इस सर्विस सेंटर पर कार्रवाई की। भाले राव ने बताया कि टीएमसी का पीने का पानी वाहनों की धुलाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ ही बताया कि इलीगल टीएमसी का पानी कनेक्शन लिया था, इसलिए कार्रवाई की गई। इस दौरान मनपा कर्मचारी भाले राव ने कार्रवाई करते हुए मोटरों को जब्त कर लिया है। हालांकि कार्रवाई करता देख टीएमसी कर्मचारी पर पैसे मांगने का आरोप लगाने लगे, मगर इसके बावजूद भी भाले राव ने कार्रवाई की और इनके मोटर जब्त कर लिए। हम आपको दिखाते हैं कि भाले राव ने किस तरह से कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान किस तरह से भाले राव पर पैसे मांगने का इल्जाम भी लगाया गया है। फिलहाल भाले राव ने बिना डरे कार्रवाई की। वहीं भाले राव ने बताया कि मैंने कार्रवाई कर मोटर जब्त कर लिया और पाइप भी जब्त कर रहा था, मगर इन लोगों ने पाइप नहीं लेने दिया और पैसे मांगने का आरोप लगा रहे हैं, मगर मैं इनके झूठे आरोपों से नहीं डरने वाला हूं। जो मेरी ड्यूटी है ईमानदारी के साथ करता हूं, मगर कोई झूठा आरोप लगाकर मुझे कार्रवाई करने से रोक नहीं सकता है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।